हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के टॉप एमसीक्यू जो आरआरबी, एसएससी, सीडीएस, एनडीएस, सीपीओ, सीआईएसएफ, बीएड, स्टेट पीएससीएस या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यू कुछ इस प्रकार हैं। द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेनली ड्यू टू ए लिकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी एलोरोप्लास्ट एंड डी क्रोमोप्लास्ट। तो जो येलो एंड ऑरेंज कलर होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर का, वो किस वजह से होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है फ्रूट्स एंड फ्लावर का कलर है येलो एंड ऑरेंज होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग ए कॉलरा, बी एक्ने, सी ट्यूबरक्लोसिस एंड डी एलर्जी। स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किसे ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज जो है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज ए कॉटन, बी राइस, सी टोमेटो एंड डी पोटैटो। इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है? तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप हमारा कॉटन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स डील्स विथ ए मेंडल्स लॉ, बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सी डीएनए स्ट्रक्चर एंड डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स है, इनमें से किसके साथ संबंध है या फिर किसे डील्स करता है? तो जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ संबंध है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स ए रिफ्लेक्टेड, बी एब्जॉर्ब्ड, सी स्कैटर्ड एंड डी रिफ्रैक्टेड। अगर कोई बीम ऑफ लाइट है उसे अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होगा? तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है, विक्षेप हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन फॉर्म्स ए सिस्टम कॉल्ड मिल्की वे, बी है सोलर सिस्टम, सी है कंसल्टेंशन एंड डी है नन ऑफ दीज। जब सन के चारों ओर जो है हैवी बॉडीज अराउंड उसके रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसमें सिस्टम जो बनाता है वो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। जो है कंप्यूटर किसी कंपोनेंट को यूज करना है तो ये कंप्यूटर किस प्रकार से बताता है, ठीक है, तो ये किसे बताता है या फिर कैसे बताता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बताता है। तो इस जो रिक्त स्थान है वहाँ पे होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज ए 80-120 mg/%, बी 120-140 mg/%, सी 140-180 mg/% एंड डी 180-200 mg/%। तो किसी ह्यूमन जो है, ह्यूमन के जो ब्लड में वो नॉर्मली कितना से कितना परसेंट तक कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए या फिर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो 180-200 mg/% है उतना ही कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 180-200 mg/%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिसीजेज लाइक कैंसर इज ऑस्टियोलॉजी, बी ओक्नोलॉजी, सी कार्नियोलॉजी एंड डी नेफ्रोलॉजी। जो स्टडी ऑफ डिसीजेज लाइक कैंसर, तो उसका स्टडी, उसका अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी यूज एज ए बायोडीजल। इनमें से किस प्लांट का जो ऑयल है वो बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पोंगेमिया, बी फंगी, सी जेट्रोपा एंड डी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है जो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। पोंगेमिया, फंगी या जेट्रोपा तीनों का जो है बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है। इन तीनों
इन तीनों प्लांट से हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ डालडा एंड वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स यूटिलाइज द फॉलोइंग प्रोसेस। जो डालडा और वनस्पति घी है वो वेजिटेबल से किस प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है, सॉरी इसका ऑप्शन है, ए है हाइड्रोलिसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी हाइड्रोजिनेशन एंड डी ओजोनोलिसिस। तो जो प्राप्त किया जाता है वनस्पति एंड डालडा घी, वो प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ए नॉर्मलिटी, बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सी स्ट्रेंथ एंड डी डेंसिटी। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उनमें से क्या सेम रहता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए टी, बी टी आई, सी एस आई एंड डी एस एन। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो टीन जो है वो किसके द्वारा, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, टीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एस एन के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, ए कार्डलिंग ऑफ मिल्क, बी रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट, सी इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड डी बर्निंग ऑफ कॉल। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज मीन्स होता है जो रिपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे किसे बार बार रिपीट मीन्स आप समझ रहे हैं, जो बार बार उस प्रोसेस को दोहराया नहीं जाता है, तो वो है हमारा इवोपरेशन ऑफ वाटर। जो इवोपरेशन ऑफ वाटर है वो है फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इवोपरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड ए इंडक्टर, बी कैपेसिटर, सी रेसिस्टर एंड डी ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस वेव प्रोपगेशन कैन बी यूज फॉर ए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, बी सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सी द फ्रीक्वेंसी अबव 40 MHz एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन है वो कहाँ पे यूज किया जाता है या फिर कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन है और द फ्रीक्वेंसी अबव 40 MHz, इन सभी में जो है स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एनिमल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड ए प्राउन, बी अर्थवर्म, सी टोड एंड डी मैन। तो इनमें से कौन सा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राउन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल किसे कहते हैं या फिर ये क्या है। तो ऑप्शन ए है ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी है ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, सी द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ पेज ऑन द www एंड डी ए पीस ऑफ हार्डवेयर। तो यूआरएल क्या है आपका, यूआरएल हमारा है द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ वेब, डॉक्यूमेंट ऑफ पेज ऑन द www। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। उस बायोलॉजी की ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें जो है पौधे की आयु के बारे में डिस्कस या अध्ययन किया जाता है। तो ए है जियोलॉजी, बी जेनियोलॉजी, सी जेनेटिक्स एंड डी है गेरेंटोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेरेंटोलॉजी। उस प्रोसेस को हम लोग गेरेंटोलॉजी कहते हैं जहाँ पे बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, ए रबर, बी वेट क्ले, सी स्टील एंड डी प्लास्टिक। इनमें से कौन सा है जो मोस्ट इलास्टिक है। तो
यहाँ पे बहुत कोई कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रबर जो हमारा है मोस्ट इलास्टिक है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन सी है, स्टील। स्टील जो है इनमें से हमारा मोस्ट इलास्टिक है, उसमें मोस्ट इलास्टिसिटी होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB SSC या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, और मोर अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।